हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग इस वीडियो में भी हमारा डीप लर्निंग का प्लेलिस्ट आगे बढ़ाएंगे। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, बैक प्रोपगेशन हमने कर लिया है और हमने कुछ और भी टॉपिक्स कवर किए, जैसे कि मेमोइजेशन क्या होता है या फिर ग्रेडियंट डिसेंट को आप और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसके बारे में इंटरव्यूज़ में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बोल सकता हूँ कि डीप लर्निंग में आपको बहुत सारे विलेंस मिलेंगे। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, इट इज़ अ विलेन, इट इज़ अ प्रॉब्लम जो एक न्यूरल नेटवर्क में हो सकता है, और अगर वो प्रॉब्लम हुआ तो फिर आपका न्यूरल नेटवर्क ट्रेन नहीं हो पाएगा। तो दैट इज़ वाई वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों होता है और उसको सॉल्व कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप डीप लर्निंग में अपना करियर बनाना चाहते हो। सो इस वीडियो में मैं आपको एंड टू एंड समझाऊंगा कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या है, क्यों होता है और मैं उसको 5 तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया इस वीडियो का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विकिपीडिया पे वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम के बारे में क्या लिखा हुआ है। सो ये मैंने कटआउट निकाला है विकिपीडिया से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन मशीन लर्निंग द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम इज एनकाउंटर्ड व्हेन ट्रेनिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स विथ ग्रेडियंट बेस्ड लर्निंग मेथड्स। इसका सिंपल मतलब है ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करना एंड बैक प्रोपोगेशन। In such methods, during each iteration of training, each of the neural network's weights receive an update proportional to the partial derivative of the error function with respect to the current weight. The problem is that in some cases, the gradient will be vanishingly small, effectively preventing the weight from changing its value, and in its worst case, this may completely stop the neural network from further training. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर आपको complex लग रही हैं, मैं आपको 2-3 सिंपल पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आपको इजी लगने लगेगा। सी, फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो भी प्रॉब्लम है ना, ये एक बहुत सिंपल मैथमेटिकल लॉ से निकल के आता है, और वो लॉ ये है, व्हाट इफ आई आस्क यू कि आपको खूब सारे पॉइंट वंस को मल्टीप्लाई करना है, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट। यू नो कि अगर आपके सारे नंबर्स जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से कम है, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो उन चारों नंबर से छोटा होगा। ठीक है, जितने छोटे नंबर्स को आप ऐड करते जाओगे आपको और छोटा नंबर एज प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि ये सिर्फ डीप न्यूरल नेटवर्क्स में ही मिलता है। डीप न्यूरल नेटवर्क्स का मतलब खूब सारे लेयर्स हैं, खूब सारे हिडन लेयर्स हैं, 8-10 हिडन लेयर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह के न्यूरल नेटवर्क्स में ही आपको वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम मिलेगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये जनरली सिग्मोइड और या फिर टैनएच टाइप का जब आप एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हो तो ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको बहुत आराम से समझाता हूँ कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होता क्या है। सो अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट कुछ वीडियो के पहले बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम पढ़ा था। बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम के हिसाब से क्या होता था कि मान लो ये हमारा न्यूरल नेटवर्क है, दिस इज़ आवर न्यूरल नेटवर्क। अब इसमें हम एक पॉइंट को इंसर्ट करते थे, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करके वाई हैट निकालते थे, इस y हैट और y को यूज़ करके हम लॉस निकालते थे, और फिर हम क्या करते थे, इन सारे वेट्स को अपडेट करते थे यूजिंग दिस रूल, w न्यू इज इक्वल टू w ओल्ड माइनस लर्निंग रेट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो ये क्या है, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर वेट। तो इन अ वे हम क्या कर रहे हैं, हम एक इनिशियल वैल्यू के साथ स्टार्ट कर रहे हैं वेट का, और हर बार उसको रिड्यूस करते जा रहे हैं विद अ फैक्टर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द वेट। यहाँ पर देखो एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, इन सच मेथड्स ड्यूरिंग ईच आइट्रेशन ऑफ द ट्रेनिंग ईच न्यूरल नेटवर्क्स वेट रिसीव्स एन अपडेट प्रपोर्शनल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द एरर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द करेंट वेट। देखो यही हम कर रहे हैं। ठीक है, अब
प्रॉब्लम क्या होता है कभी कभी कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि मान लो आपको इस वेट को अपडेट करना है और ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, सभी जगह सिग्मोइड लगा हुआ है एज योर एक्टिवेशन फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि बैक प्रोपोगेशन का लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर आपको ये निकालना है, ये वेट है, अगर आपको ये निकालना है तो आप ये देखोगे कि लॉस को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो लॉस डिपेंड करता है वाई हैट पे, वाई हैट डिपेंड करता है आपका ओ वन वन पे, इसके आउटपुट पे, और फिर ओ वन वन डिपेंड करता है आपके डब्ल्यू वन 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 पे, इस वेट पे। तो इन अ वे हमें क्या करना पड़ रहा था, हमें इस डेरिवेटिव को निकालने के लिए कुछ और डेरिवेटिव्स निकालने पड़ रहे थे लाइक दिस। ये मैंने आपको करके दिखाया था, राइट? नाउ इफ यू नोटिस, यहां पे कुछ जगहों पे आपको क्या करना है, सिग्मोइड का डेरिवेटिव निकालना है जो कि हमेशा जीरो से लेके 0.5 के बीच में होता है, ठीक है? सिग्मोइड इन जनरल भी जीरो से लेके 1 के बीच में होता है। तो कभी कभी क्या होगा कि ये सारे नंबर्स जीरो से 1 के बीच में होंगे, ये सारे नंबर्स जीरो से 1 के बीच में होंगे, और जैसे ये सारे नंबर्स जीरो से 1 के बीच में होंगे और आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, यू वुड सी कि ये चीज़ होने लगेगी और आपका ये जो डेरिवेटिव निकल के आएगा, दिस विल बी अ वेरी स्मॉल नंबर, इस तरीके का। अब आपका रूल क्या है, आपका रूल है ये, मान लो आपका इनिशियल वेट था 1, तो आपका नया वेट कैसे कैलकुलेट होगा? आपका नया वेट कैलकुलेट होगा इनिशियल वेट माइनस लेट से लर्निंग रेट है 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.0001। तो इट वुड बी लाइक 0.99999, ये आपका नया वेट है। नाउ इफ यू थिंक, अगर आपका वेट इतने कम वैल्यू से चेंज होगा तो इट बेसिकली मीन्स कि चेंज हुआ ही नहीं, डिड नॉट चेंज। और अगर वेट्स चेंज हुए ही नहीं तो लॉस तो जैसा था वैसा ही रहेगा, लॉस भी नहीं घटेगा, ठीक है? तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इन द वर्स्ट केस दिस में कम्प्लीटली स्टॉप द न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग फ्रॉम न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम फर्दर ट्रेनिंग, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग द वेट फ्रॉम चेंजिंग इट्स वैल्यू। सो यू कैन सी यहाँ पर वेट का वैल्यू एकदम ही वैनिशिंगली स्मॉल है, इसीलिए वर्ड आया, ठीक है? और ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया सिर्फ एक दो लेयर नेटवर्क का। इमेजिन अ नेटवर्क जहां पर लेट्स से देयर आर 10 हिडन लेयर्स। इमेजिन यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, दैट नंबर, ये जो इनिशियल शुरू वाले जो लेयर वाले वेट्स होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम है वो कन्वर्ज नहीं कर पाएगा और मॉडल का ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा। आई होप यू गेट द आइडिया। ये प्रॉब्लम इतना बड़ा था कि ड्यूरिंग 80s एंड ड्यूरिंग 90s इट वॉज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स जिसकी वजह से न्यूरल नेटवर्क्स या फिर डीप लर्निंग इन जनरल फेल्ड, ठीक है? मतलब इनको सॉल्व करने का तरीका ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली हमारे पास जो एक्टिवेशन फंक्शंस थे वो थे सिग्मोइड या फिर टैन एच। और इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों ही एक बहुत बड़े इनपुट स्पेस को एक बहुत छोटे आउटपुट स्पेस में लेके आते हैं। सोच के देखो सिग्मोइड करता क्या है, सिग्मोइड फंक्शन का काम क्या है, सिग्मोइड फंक्शन का काम है कि वो कितना भी बड़ा इनपुट हो या कितना भी छोटा इनपुट हो उसको जीरो से वन के रेंज में लेके आता है। तो उससे क्या होता है कि आपका वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम निकल के आता है, ठीक है? तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ रही है, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन डीप लर्निंग, जो इस फैक्ट से निकल के आता है कि अगर आप खूब सारे बहुत छोटे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्ट होगा वो उन सबसे भी ज़्यादा छोटा नंबर होगा, ठीक है?
और ये क्यों होता है? क्योंकि बैक प्रोपोगेशन में आपको क्या करना है, वेट अपडेट करना है, और वेट अपडेट किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, आपके पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर, ठीक है। बट सिंस ये एक डीप न्यूरल नेटवर्क है, आपका पार्शियल डेरिवेटिव विल बी अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सो मेनी कंपोनेंट्स। इफ ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर वेरी वेरी स्मॉल या फिर वन से भी छोटा हुआ, तो भी जो आपका डेरिवेटिव आएगा इट वुड बी वेरी वेरी स्मॉल, एंड व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट दैट विद द इनिशियल वैल्यू यू विल गेट अ वेरी स्मॉल चेंज, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई चेंज होगा ही नहीं। और जब वेट्स में कोई चेंज होगा ही नहीं तो आपका मॉडल ट्रेन होगा नहीं, आपका लॉस हमेशा पहली बार जैसा ही आएगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि कैसे पहचाने कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हो रहा है, हाउ टू रिकॉग्नाइज, ठीक है। दो तरीके हैं, पहला तरीका क्या है, लॉस पे फोकस करो, लॉस हर रिपॉक के बाद आपको मिलेगा। अगर लॉस में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इफ देर आर नो चेंजेस, देन इट इज अ साइन कि आपको पास वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सेकेंड तरीका क्या है कि आप अपने वेट्स का एक ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। कैसा ग्राफ, मतलब मान लो कोई भी एक वेट को पकड़ लो, मान लो आपने W111 को पकड़ा, आप ईपॉक वर्सेस वैल्यू ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। अगर वो कंसिस्टेंट है इट बेसिकली मींस कि ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब मैं आपको करके दिखाऊंगा जब हम लोग आगे टेंसर बोर्ड एंड कॉलबैक्स पढ़ेंगे, ये आगे का टॉपिक है, वहाँ पे मैं ये आपको करके दिखाऊंगा कैसे करना है। बट उससे भी पहले आप ये लॉस वाला सिस्टम तो सीधे कर सकते हो, जब आप केरास में ट्रेनिंग करते हो तो केरास पूरे टाइम आपको लॉस बताता है आफ्टर एवरी ईपॉक। तो आप क्या कर सकते हो, जाके देख सकते हो कि लॉस रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है इट इज़ अ साइन कि देर इज़ सम प्रॉब्लम। सो चलो गाइस, अब मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कि कैसे वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम अकर कर सकता है, ठीक है। कोड मैंने पहले से लिख रखा है, मैं आपको लाइन बाय लाइन रन करके दिखाता हूँ। सो इस लाइन में हमने सारे के सारे अपने लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट किया है। यहाँ पे मैंने मेक मून्स फंक्शन को कॉल करके क्लासिफिकेशन डेटा सेट बनाया है जिसमें दो इनपुट कॉलम्स है और एक आउटपुट कॉलम है, और ये ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। इस डेटा सेट पे उतना कुछ ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा, मुझे बस एक डेटा सेट चाहिए था। मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि मेरे पास एक बहुत ही डीप न्यूरल नेटवर्क है जहां पे वी हैव गॉट अराउंड लेट्स से 10 के अराउंड हिडन लेयर्स हैं, ठीक है। मैंने ये मॉडल बना दिया, बाकी की चीजें भी वही है जो हम करते आते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट पे जो मेरे वेट्स थे उसका जो पहला लेयर का वेट है उसको मैंने ओल्ड वेट्स में स्टोर कर दिया, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि आप क्या कर सकते हो, मॉडल डॉट गेट वेट्स को कॉल करके अपने सारे वेट्स एंड बायसेस देख सकते हो जो कि फिलहाल रैंडमली इनिशियलाइज्ड हैं। अब मुझे क्या करना है, उसमें से सबसे पहला लेयर का जो वेट्स है वो चाहिए। तो जैसे ही मैंने जीरो लिखा तो ये फर्स्ट लेयर के वेट्स हैं, यू कैन सी, ठीक है। सो मेरे पास दो इनपुट्स हैं और वो पहले हिडन लेयर को मिल रहे हैं जिसमें 10 नोड्स हैं, तो 2 × 10 = 20 होगा। तो यहाँ पर यू कैन सी 20 वेट्स हैं, ठीक है। तो मैंने वही किया, मैंने पहले जो फर्स्ट लेयर में जो 20 वेट्स हैं उनको ओल्ड वेट्स में स्टोर कर लिया। उसके बाद मैंने एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, बेसिकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, और फिर मैंने क्या किया, अपने मॉडल को ट्रेन किया फॉर वन ईपॉक, जस्ट वन ईपॉक, ठीक है। ये देखो, ये मैंने कर लिया। अब ध्यान से देखना, यहां से हमारा मेन चीज स्टार्ट होता है कि जैसे ही हम ट्रेनिंग कर लेंगे तो ट्रेनिंग के बाद फिर हमारे वेट्स में कुछ चेंजेस होंगे। तो मैंने फिर से मॉडल डॉट गेट वेट्स लिया आफ्टर ट्रेनिंग और उसके जीरो को स्टोर कर लिया न्यू वेट्स में, लाइक दिस, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने पता किया कि मेरे मॉडल का लर्निंग रेट क्या था, ये डिफॉल्ट वैल्यू है 0.001। अब मैंने क्या किया, मैंने ग्रेडियंट्स का वैल्यू कैलकुलेट किया फॉर ईच ऑफ द वेट्स इन माय फर्स्ट लेयर, ठीक है। बहुत सिंपल है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला,
वेट, जस्ट वन सेकेंड, वेट न्यू इज इक्वल टू वेट ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम्स डीएल बाय दिस। अब मुझे अगर इसका वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली ये करना पड़ेगा, डब्ल्यू ओल्ड माइनस डब्ल्यू न्यू डिवाइडेड बाय लर्निंग रेट। ये करने से मुझे ग्रेडियंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने ये अपने हर वेट के लिए ग्रेडियंट का वैल्यू निकाला, ये देखो, ओल्ड वेट माइनस न्यू वेट डिवाइडेड बाय लर्निंग वेट, ठीक है। ऑल्सो मैंने एक परसेंटेज चेंज निकाला मेरे ओल्ड वेट्स और न्यू वेट्स के बीच में कि कितना चेंज हुआ है, ठीक है। और ये दोनों क्वांटिटीज मैंने कैलकुलेट की, ये देखो, मेरे पहले लेयर में जो 20 वेट्स थे उनका ग्रेडियंट ये आया है आफ्टर वन ईपॉक, एंड यू कैन सी ये ग्रेडियंट कितना कम है, ये कितना कम है, ठीक है। अब मैंने परसेंटेज चेंज निकाला, एंड यू कैन सी दिस इज द परसेंट चेंज, हर वेट इतने परसेंट से चेंज हुआ, 1% भी नहीं है, दिस इज 0.00%, 0.00% कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस यहाँ पर एक वेट है, आई गेस वो भी नहीं है, बस एक वेट है जो 0.3% से चेंज हुआ है, बाकी सब देखो जरा भी चेंज नहीं हुए। इनफैक्ट इफ यू कम डाउन एंड इफ यू सी ओल्ड वेट्स, ये रहा मेरा ओल्ड वेट्स और ये रहा मेरा न्यू वेट्स, यू कैन सी देर इज नथिंग, देर इज नो चेंज, ठीक है, देर इज नो चेंज। लाइक बहुत ज्यादा डेसिमल वैल्यू में घुसोगे तो आपको चेंजेस दिखाई देंगे, बट यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पर वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। सो मैंने क्या किया, मैंने रन किया फिर से इस कोड को, फिर से रन किया, इस बार हम क्या करेंगे, थोड़े ज्यादा ईपॉक्स के लिए चलाएंगे। ये मेरा पुराना वेट्स, ये मेरा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इस बार हम क्या करेंगे 100 ईपॉक्स के लिए चलाते हैं। देखना मॉडल ट्रेन होगा, एंड यू वुड सी एक पॉइंट के बाद आपका लॉस और रिड्यूस नहीं हो रहा है, वो 0.69 पे आके अटक चुका है। देखो आप कितना भी आगे जा रहे हो वो 0.69 के पास ही है, ठीक है। अब मैंने न्यू वेट फिर से निकाला और अब मैं यहां जा रहा हूं, ये रहा मेरा ओल्ड वेट्स शुरू में एकदम बिफोर ट्रेनिंग, एंड दिस इज आफ्टर ट्रेनिंग, एंड यू वुड सी कि 100 ईपॉक्स चलाने के बाद भी बहुत ही छोटा चेंज है, बहुत ही छोटा चेंज है। कुछ जगहों पे फिर भी आपको डेसिमल के कुछ पॉइंट्स आगे चेंजेस दिखाई देंगे, बट यू गेट द आइडिया कि इसी प्रॉब्लम की वजह से हमारा लॉस रिड्यूस नहीं हो रहा है और हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो सही से ट्रेन नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यही इसी प्रॉब्लम को बोला जाता है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सीखना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। सो गाइज, मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा, उनमें से 2 तरीके मैं आपको अभी इसी पॉइंट पे डेमो करके दिखाऊंगा, बट जो बाकी 3 तरीके हैं वो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए। सो अगर आपको अपने न्यूरल नेटवर्क में वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को हटाना है तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप अपने मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दो। सो अगर आपके पास 10 हिडन लेयर्स हैं या फिर आप बोलो कि ये बहुत ही डीप न्यूरल नेटवर्क है तो फिर ऑब्वियसली इसमें वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होगा। तो एक तरीका है इसको रिड्यूस करने का कि आप एक शैलो न्यूरल नेटवर्क यूज करो, लाइक दिस, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो इनिशियल लेयर्स वाले जो वेट्स होंगे उनका डेरिवेटिव वुड बी अ बिगर नंबर इन कंपैरिजन टू दिस वन, क्योंकि यहां पे क्या होगा कि और ज्यादा डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, ये नंबर और छोटा होता चला जाएगा। वेयर एज इन अ शैलो न्यूरल नेटवर्क ये नंबर ज्यादा बड़े नहीं होंगे और जो नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स हैं वो बहुत कम होंगे, तो फिर ग्रेडियंट वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होने का चांस कम है, ठीक है। अब ये तरीका काम तो कर जाएगा बट ये उतना एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आप न्यूरल नेटवर्क का कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ाते हो, टू फाइंड आउट कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, टू फाइंड आउट कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। तो अगर आप वो चीज़ हटा दोगे तो फिर आप कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे, तो फिर फायदा ही क्या हुआ मॉडल ट्रेनिंग का। तो इन अ वे ये कभी कभी काम आ सकता है, बट ज़्यादातर टाइम
आप इसको यूज़ नहीं करोगे। बस आपको इंट्यूशन होना चाहिए कि ये क्यों काम करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके डेटा में उतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, नॉन लीनियरिटीज़ नहीं है, तो रिड्यूस कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा, एटलीस्ट वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेट मी शो यू वन डेमोन्स्ट्रेशन कि सच में क्या मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने से कोई फ़ायदा होता है। सो गाइज, हम लोग फिर से सेम ही कोड यूज़ करेंगे, बस इस बार हम क्या चेंज कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग इतना सारा हिडन लेयर्स, आई वुड यूज जस्ट 3 हिडन लेयर्स, ठीक है। और सब कुछ सेम है, ये मेरे इनिशियल वेट्स हैं, ये मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, और फिर से हम लोग क्या करेंगे कि 100 ईपॉक्स के लिए ट्रेन करेंगे, ठीक है। ये हमने 100 ईपॉक्स के लिए ट्रेन किया, और ये ट्रेन हो गया। मैंने अपने न्यू वेट्स को यहाँ पे स्टोर कर लिया। पहला चेंज तो आपको यहीं पे दिख जाएगा कि यहाँ पर जैसे जैसे आपके ईपॉक्स बढ़ रहे हैं, इस बार आप 0.69 पे रुके हुए नहीं हो, यू कैन सी आप थोड़ा 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 नीचे जा रहे हो, इवेंचुअली आप 0.39 तक पहुंच गए, ठीक है। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं ओल्ड वेट्स वर्सेस न्यू वेट्स, ये मेरे पुराने वेट्स हैं मॉडल के ट्रेनिंग के पहले, और ये मेरे नए वेट्स हैं। यू कैन सी ऑलरेडी काफ़ी चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे 0.29 है, यहाँ पे 0.64 है, यहाँ पे 0.50 है, यहाँ पे 0.98 है। तो यू कैन सी ये वाला चीज़ काम कर रहा है, ठीक है। हमने मॉडल का कॉम्प्लेक्सिटी जैसे ही रिड्यूस किया, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम का जो इशू था वो हमने एक तरीके से रिजॉल्व कर लिया। सो गाइज, हम लोग फिर से सेम ही कोड यूज करेंगे, बस इस बार हम क्या चेंज कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग इतना सारा हिडन लेयर्स, आई वुड यूज जस्ट 3 हिडन लेयर्स, ठीक है। और सब कुछ सेम है, ये मेरे इनिशियल वेट्स हैं, ये मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, और फिर से हम लोग क्या करेंगे कि 100 ईपॉक्स के लिए ट्रेन करेंगे, ठीक है। ये हमने 100 ईपॉक्स के लिए ट्रेन किया, और ये ट्रेन हो गया। मैंने अपने न्यू वेट्स को यहाँ पे स्टोर कर लिया। पहला चेंज तो आपको यहीं पे दिख जाएगा कि यहाँ पर जैसे जैसे आपके ईपॉक्स बढ़ रहे हैं, इस बार आप 0.69 पे रुके हुए नहीं हो, यू कैन सी आप थोड़ा 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 नीचे जा रहे हो, इवेंचुअली आप 0.39 तक पहुंच गए, ठीक है। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं ओल्ड वेट्स वर्सेस न्यू वेट्स, ये मेरे पुराने वेट्स हैं मॉडल के ट्रेनिंग के पहले, और ये मेरे नए वेट्स हैं। यू कैन सी ऑलरेडी काफ़ी चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे 0.29 है, यहाँ पे 0.64 है, यहाँ पे 0.50 है, यहाँ पे 0.98 है। तो यू कैन सी ये वाला चीज़ काम कर रहा है, ठीक है। हमने मॉडल का कॉम्प्लेक्सिटी जैसे ही रिड्यूस किया, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम का जो इशू था वो हमने एक तरीके से रिजॉल्व कर लिया। सेकेंड जो टेक्निक है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का, वो है कि आप एक डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करो, ठीक है। अब डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन में आप रेल्यू यूज़ कर सकते हो। रेल्यू इज़ अ वेरी फेमस एक्टिवेशन फंक्शन। हमने अभी सारे एक्टिवेशन फंक्शंस डिस्कस नहीं किए, हम एक दो वीडियोस के बाद करेंगे। तो रेल्यू का क्या होता है, रेल्यू का फंक्शन ये होता है, रेल्यू का मतलब फॉर्मूला ये होता है, मैक्स ऑफ जीरो जेड, और इसका ग्राफ ऐसा होता है, अगर नेगेटिव है तो ज़ीरो होगा, और अगर पॉजिटिव है तो जो जेड का वैल्यू है वही आपका आउटपुट होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसकी खासियत क्या है कि ये आपके इनपुट स्पेस को, जो कि अगर किसी भी रेंज में है, उसको इस रेंज में लेके आता है। तो ये एग्जैक्टली स्क्विश नहीं कर रहा है, जैसे सिग्मॉइड क्या करता है, जीरो से वन के बीच में लेके आता है। ये एटलीस्ट क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में स्क्विश नहीं करता है, नेगेटिव को जीरो पे ले आता है, ये बात है। अब अच्छी बात क्या है कि इसका डेरिवेटिव जो है वो या तो ज़ीरो होगा या तो वन होगा। अगर नेगेटिव है तो ज़ीरो होगा, पॉजिटिव है तो वन होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप खूब सारे वन को मल्टीप्लाई करो तो यू कैन सी वो वन ही है। तो यहाँ पर फिर वो नंबर छोटा नहीं होता और वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। तो रेल्यू इज़ वन एग्जाम्पल जिसको यूज़ करके आप थोड़ा बचा सकते हो। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम होता है डाइंग रेल्यू का।
डाइंग रेल्यू का क्या मतलब होता है कि अगर एक्टिवेशन जीरो हो गया तो फिर क्या होता है कि वो डेरिवेटिव जीरो ही हो जाता है, और डेरिवेटिव जीरो होने से फिर वेट अपडेट फिर से नहीं होता। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर एक और चीज़ आई, लीकी रेल्यू। ये सब हम पढ़ेंगे अगले के अगले वीडियो में, या फिर मे बी अगले वीडियो में, बट यू गेट द आइडिया कि रेल्यू क्यों काम कर पा रहा है, बिकॉज वो स्क्विश नहीं कर रहा है जैसे स्क्विश करता है आपका सिग्मॉइड। ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट रीजन यू वुड यूज रेल्यू। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ रेल्यू एक बार कोड में इंप्लीमेंट करके। सो गाइज यू कैन सी हम फिर से सेम डेटा सेट यूज कर रहे हैं, बट इस बार हम लोग मॉडल डिफरेंट यूज कर रहे हैं। मॉडल डिफरेंट नहीं है, आर्किटेक्चर अभी भी सेम है, बस हमने एक्टिवेशन फंक्शन में सभी जगह रेल्यू लिया है एक्सेप्ट द लास्ट लेयर, वहां पे आपको सिग्मॉइड लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग मॉडल को कंपाइल कर रहे हैं, पुराने वेट्स को स्टोर कर रहे हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे हैं और मॉडल को फिट कर रहे हैं शुरू में एक ही इपॉक के ऊपर। हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, न्यू वेट्स को हमने निकाला, ये रहा मेरा लर्निंग रेट, मैंने ग्रेडियंट और परसेंट चेंज निकाला, ये देखो मेरा ग्रेडियंट ये रहा। यू कैन सी ग्रेडियंट पॉजिटिव में वैल्यूज हैं, कुछ कुछ जगहों पे नेगेटिव है, और ये देखो मेरा परसेंटेज चेंज, ऑलरेडी कुछ जगहों पे 5% का चेंज है, कुछ जगहों पे 12% का चेंज है, कुछ जगहों पे 26% का चेंज है, 1% का चेंज है। तो यू कैन सी रेल्यू को यूज करके काम हो रहा है। यहाँ पे अगर आप ओल्ड वेट्स निकालो और अगर आप न्यू वेट्स निकालो, यू वुड फाइंड कि कुछ जगहों पे यू वुड सी काफी सारा चेंज। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस पूरे कोड को एक बार फिर से रन करते हैं थोड़े ज्यादा आपके ईपॉक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 100 ईपॉक्स के लिए ट्रेन करते हैं इस मॉडल को, लेट्स सी क्या होता है। कायदे से लॉस रिड्यूस होते जाना चाहिए, देखो हो रहा है, इनफैक्ट इस बार काफी ज्यादा हो रहा है। यू कैन सी 10^-4 में चला गया आपका लॉस, विच इज लाइक अ लॉट लेस। ठीक है, ये मेरा नया वेट्स है, लर्निंग रेट सेम रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है निकाल के। मैं आपको डायरेक्टली न्यू वेट्स और ओल्ड वेट्स में जो डिफरेंस है वो दिखाता हूँ। सी ये रहा आपका ओल्ड वेट्स और ये रहा आपका न्यू वेट्स, एंड यू वुड सी काफी चेंजेस आए हैं, देखो काफी सारे चेंजेस आए हैं, और ये सिग्निफाई करता है कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, लीकी रेल्यू यूज करके हमने वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया। जो थर्ड टेक्निक होता है वो होता है प्रॉपर वेट इनिशियलाइजेशन। सो अभी हम रैंडमली वेट्स को इनिशियलाइज कर रहे थे, अभी आगे जाके हम एक दो वीडियोस के बाद देखेंगे, देर आर सर्टेन वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स लाइक ग्लोराट या फिर जेवियर, ये सब हम लोग देखेंगे। और जब आप प्रॉपरली अपने वेट्स को इनिशियलाइज करते हो तो उससे भी क्या होता है, आप अपने वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो सिंस ये टॉपिक हमें फ्यूचर में पढ़ना है, इसके बारे में भी और डिस्कशन नहीं कर सकते। द फोर्थ थिंग दैट वन कैन यूज इज बैच नॉर्मलाइजेशन। सो बैच नॉर्मलाइजेशन एक लेयर होता है, एक टाइप का लेयर होता है। अब एग्जैक्टली इसके अंदर क्या चल रहा होता है वो हम डिस्कस करेंगे बैच नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, इस सीरीज में एक प्रॉपर वीडियो होगा। इट इज़ अ न्यू टेक्निक, बट इसके आने से भी हम वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को टैकल कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज यूजिंग अ रेजिडुअल नेटवर्क, रेजिडुअल नेटवर्क। सो इट इज़ अ स्पेशल बिल्डिंग ब्लॉक, ये एक टाइप का ब्लॉक होता है जो आप यूज कर सकते हो इन योर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और इसकी खासियत क्या होती है वो हम अगेन बाद में डिस्कस करेंगे, फ्यूचर में जब हम CNN पढ़ेंगे वहाँ पे एक टॉपिक होगा रेजनेट बोल के। रेजनेट इज बिल्ट यूजिंग अ रेजिडुअल ब्लॉक। ठीक है, तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा कि ये क्या होता है और इसको यूज करने से आप कैसे वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम से बच सकते हो। ठीक है, तो ये 5 टेक्निक्स होते हैं, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट इज कि आप अपने मॉडल का कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दो अगर पॉसिबल है। सेकंड है ऐसे एक्टिवेशन फंक्शन यूज करो जो स्क्विशिंग ना कर रहा हो आपके इनपुट स्पेस को, आउटपुट स्पेस में जब स्क्विशिंग ना हो। ठीक है, जैसे कि रेल्यू। थर्ड इज प्रॉपर वेट इनिशियलाइजेशन, फोर्थ इज बैच नॉर्मलाइजेशन, एंड द फिफ्थ वन इज रेजिडुअल नेटवर्क्स यूज करो। ठीक है, तो आई गेस आपको सब कुछ समझ में आ गया अबाउट वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। जाते जाते मैं आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अबाउट एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ये बिल्कुल
वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम की तरह ही होता है, बट ये ज़्यादा दिखाई देता है RNNs में, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स में, ठीक है। इसका प्रिंसिपल ठीक उल्टा है कि अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं जो 1 से ज़्यादा हैं, आप उनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो उन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इमेजिन करो जब आपके डेरिवेटिव्स को आप कैलकुलेट कर रहे हो और ये डेरिवेटिव्स जो हैं ये सारे 1 से बड़े हैं, जब ये 1 से बड़े होंगे तो क्या होगा कि आपका ये वाला जो डेरिवेटिव है इट विल बी अ वेरी बिग नंबर, इट वुड बी अ वेरी बिग नंबर। तो होगा क्या कि जब आप वेट अपडेट करने जाओगे, इफ दिस इज अ वेरी बिग नंबर, लेट्स से इफ दिस इज 1000 एंड दिस इज लेट्स से 0.1, तो आपका वेट अगर शुरू में 1 था तो ये हो जाएगा 1 माइनस 100, सीधे 99 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में ये और बढ़ सकता है, मान लो ये 1000 हो गया, तो बेसिकली ये वेट कितना भी बड़ा हो जाएगा और फिर इतना बड़ा हो जाएगा कि इवेंचुअली आपका मॉडल रैंडमली बिहेव करने लगेगा और आपका लॉस रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ये ठीक उल्टा है, जब आपके डेरिवेटिव्स का वैल्यू 1 से ज़्यादा बड़ा है और ऐसे आप खूब सारे डेरिवेटिव्स को जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो डेरिवेटिव है इट बिकम्स अ बिग नंबर और ये वेट अपडेट काफ़ी रैंडम हो जाता है और आपका मॉडल ट्रेन होना बंद कर जाता है। ये प्रॉब्लम हम RNN के टाइम पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या होता है और कैसे हम ग्रेडियंट क्लिपिंग जैसा टेक्निक यूज़ करके इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बट सिंस ये रिलेटेड टॉपिक था, मैंने एक हल्का इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी चीज़ क्लियर है। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया। मैं वो सारे नोटबुक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, एक बार वो कोड्स आप एक बार खुद से चला के देखोगे तो थोड़ा और इंट्यूशन आपको मिलेगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है। मैं आगे और वीडियोज़ डालता रहूँगा डीप लर्निंग सीरीज़ में, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय।